आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरेशी। दोस्तों, भाजपा पर, नरेंद्र मोदी की भाजपा पर गंभीर आरोप लगे हैं। हिंदू हिंदू में दरार करवाने के आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाया है एक वक्त का हिंदू सम्राट का बेटा उद्धव ठाकरे। जी हां, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर हिंदू हिंदू के अंदर दरार पैदा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर शिवसेना भी थी, अकाली दल भी थी, लेकिन बीजेपी को यह पसंद नहीं आया। बीजेपी शिवसेना को भी नहीं चाहती थी, बीजेपी अकाली दल को भी नहीं चाहती थी। यह आरोप लगाया है शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने एक और जबरदस्त बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दो दिन पहले मुंबई में आए थे, वोहरा समाज के लोगों से मिले थे, और उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि उन टोपी वाले वोहरा समाज के लोगों से नरेंद्र मोदी मिले तो ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी बड़े दिल वाले हैं, और अगर यही अगर मुसलमानों से मैं मिलता हूं तो मुझे कहा जाता है कि ये तो मुल्लाओं का नेता है, ये अब हिंदू नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, जो माहौल 2012-13 के बाद इस देश का बनाया गया, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हमारा देश भारत हमेशा एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह रहा है। इसके अंदर भाईचारे के वो तमाम फूल मौजूद हैं, हरे रंग का भी, सफेद रंग का भी, गुलाबी रंग का भी, लाल रंग का भी, नारंगी रंग का, हर रंग का फूल जब बन के गुलदस्ता बनता है तो बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। लेकिन 2012 के बाद ये हुआ कि हरा गुलाब निकाल कर फेंक दो या भगवे कलर का गुलाब निकाल कर फेंक दो। आप सोचिए, एक खूबसूरत पचरंगी, तरह तरह के रंग वाले जब फूल उसमें लगे होते हैं तो वो खूबसूरत लगता है गुलदस्ता, लेकिन उसमें से आप कुछ रंग निकाल कर अगर फेंक देते हैं तो वो बदनुमा लगने लग जाता है। इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे कि 2014 के बाद तो ज्यादा होने लगा, ये 2013 से माहौल बनने लगा था कि जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विपक्षी नेता हैं, अगर वो किसी मुसलमान के साथ दिख जाते थे, दाढ़ी टोपी के साथ दिख जाते थे, तो ये दिखाने की कोशिश कर दी गई कि ये तो मुसलमानों के नेता हैं। और वही मुसलमानों से जब अगर नरेंद्र मोदी मिलने लगे तो ये कहा गया नरेंद्र मोदी का तो दिल बड़ा है भाई। और इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे का कहना भी सही है, क्योंकि आपको याद होगा जिन मुगलों को अनभक्त हमेशा गालियां देते रहे, उन्हीं में से एक मुगल के मजार पर पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी साहब, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। जिन अब्दुल को गाली दी जाती है, जिन मुल्लाओं को गाली दी जाती है, नरेंद्र मोदी साहब उन अब्दुलों के साथ में मेट्रो ट्रेन में बिठाकर उनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं, खूब वायरल होते हैं वो फोटो, तब ये नहीं कहा जाता कि ये मुल्ला का नेता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे नेताओं को बदनाम किया जाता है, और यही बात उद्धव ठाकरे ने भी कही कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से, जो हमने देखा ना दो दिन पहले, रोटी बेल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर यही रोटी कोई और अगर किसी मुल्ला के साथ खड़े रहकर बेल रहा होता तो अभी तक तो उसकी कब्र खोद दी होती अनभक्तों ने, आईटी सेल के लोगों ने। लेकिन चूंकि ये तो भाई चौकीदार साहब है तो इनके खिलाफ तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो उद्धव ठाकरे ने कई गंभीर आरोप लगाए। उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही है उस पर थोड़ा गौर भी करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो भाजपा का हिंदुत्व है वो असली हिंदुत्व नहीं है, वो हमारा हिंदुत्व नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो देश के विरोध में हो, जो देश के खिलाफ हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसका विरोध किया जाना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन बात, हम हमेशा इस मुद्दे को उठाते हैं कि सिक्के के दोनों पहलू को देखा जाना चाहिए। कानून और संविधान दोनों के लिए बराबर है, सभी के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। जब आप कुछ कानून बनाते हैं या जो काचा आप जो जिस तरीके से देखते हैं तो आप सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा करिए। उद्धव ठाकरे ने कुछ गंभीर बातें कही। उन्होंने कहा है कि 25-30 साल तक शिवसेना ने राजनीतिक मित्रता की रक्षा की बीजेपी के साथ में, एनडीए के साथ में। हिंदुत्व का मतलब हमारे बीच गर्मजोशी है। भाजपा किसी को नहीं चाहती थी, वो अकाली दल और शिवसेना को नहीं चाहती थी। ठाकरे ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को राजधर्म के पालन की वाजपेयी की नसीहत का संदर्भ देते हुए कहा कि वो बाला साहब ठाकरे ही थे जिन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री को तब बचाया था, क्योंकि जब गुजरात में दंगे हुए थे, वाजपेयी जी ने, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, उनसे कहा था कि आप राजधर्म का पालन करिए। उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मोदी की जरूरत है, मोदी को बचाया था उन्होंने। और आज उसी बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ में
नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी का व्यवहार किया है वो पूरा देश देख रहा है। और किस तरीके से कांग्रेस के साथ चली गई शिवसेना, और कांग्रेस के साथ जाते ही शिवसेना भी सेक्युलर हो गई। जो शिवसेना कभी पाकिस्तान के क्रिकेट खेलने पर क्रिकेट के मैदान की पीछे खुदवा डाला करती थी, खोद देती थी पीछे, कहती थी हम मैच नहीं होने देंगे, ये वही शिवसेना के अध्यक्ष हैं जो अब अलग अवतार उनका नजर आने लगा है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि उनका थोड़ा दिमाग ठिकाने आ गया, उन्हें ये बात समझ आने लगी कि इस देश का मुसलमान भी इसी देश का है, विदेशी नहीं है। ये तमाम चीजें जो ठाकरे ने कही है उद्धव ठाकरे ने, और एक और बात उन्होंने कही, जब उनकी सरकार गिरा दी गई, शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री रहता तो मेरे गले के अंदर भी पट्टा बंधा हुआ रहता, जो पट्टा आज मुझसे अलग होकर जो लोग गए हैं उनके गले में बंधा हुआ है। वो किस तरफ इशारा कर रहे थे ये साफ समझा जा सकता है। तो उद्धव ठाकरे, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से आए दिन सियासी जो उठापटक हो रही है और ये तलवार लटक रही है, ये भी कहा जा रहा है न जाने कब एक बार फिर से जो बीजेपी ने सरकार बनाई है वो सरकार शायद गिर जाए, क्योंकि एक वक्त तो ये भी आया था कि आनन फानन में जल्दबाजी में रात को 1:30-2 बजे सुबह 4-5 बजे देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दिया गया और दूसरे दिन उनकी सरकार भी गिर गई। ये तमाम चीजें महाराष्ट्र की जो उठापटक है उसके बीच में हिंदू मुसलमान, अच्छा हिंदू बुरा हिंदू, अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान, इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो कहा कि बीजेपी ने कोई ठेका नहीं ले लिया है कि वही असली हिंदू है और उसका हिंदुत्व ही असली हिंदुत्व है, उद्धव ठाकरे का कहना है कि हम भी हिंदू हैं, हमारी शिवसेना भी हिंदू है, हमने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है। और उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने राजधर्म की नसीहत वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को बचाने के लिए दी थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना के संस्थापक ने कभी नफरत नहीं पाली, हिंदू होने का मतलब कभी भी मराठी होना, और हिंदू होने का मतलब कभी मराठी होना और उत्तर भारतीयों से नफरत करना नहीं था। ये दरअसल प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, इसमें जो उत्तर भारतीय हैं जो महाराष्ट्र में मुंबई में बसते हैं, जिनको आए दिन शिवसैनिक मारा करते थे, उन्हीं के बीच ये भाषण दे रहे थे उद्धव ठाकरे, और वो उत्तर भारतीयों से अपनी करीबी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उत्तर भारतीय भी हमारे हैं, मुसलमान भी हमारे हैं। ये उद्धव ठाकरे को सब अब समझ में आने लगा, पहले इन्हें समझ में नहीं आता था, जब उन्होंने देखा कि हमने राजधर्म का पालन किया, गठबंधन धर्म का पालन किया, उसके बावजूद भी हमें कैसे निचोड़कर फेंक दिया गया, किस तरीके से शिवसेना से तोड़कर कुछ लोगों को ले लिया गया और सरकार बना दी गई। ये अब उद्धव ठाकरे को समझ में आने लगा है। बेहतर होगा कि नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव को, ममता बनर्जी को भी ये बातें समझ में आ जाए। वाईएसआर रेड्डी, उनको भी, उनके बेटे को भी शायद ये बात समझ में आ जाए कि आखिरकार आने वाले चुनाव में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, किस तरीके की राजनीति होती है, तोड़फोड़ की राजनीति कैसी होती है, आज के दौर में हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरह की राजनीति की जा रही है। ये तमाम चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। ठाकरे ने कहा कि वो अपनी गरिमा की रक्षा के लिए भाजपा के साथ गठबंधन से बाहर चले गए, और 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिला लिया। उन्होंने बाला साहेब अंची शिवसेना गुट के संबंधित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायकों के संदर्भ में कहा, अगर मैं भाजपा से अलग नहीं हुआ होता तो मैं अपने गले में पट्टा बांध कर रखने वाला गुलाम होता, जो आज कुछ दूसरे लोग हैं जो हमसे अलग हुए हैं। ठाकरे ने कहा कि वो बदनाम करने वाले एक अभियान के शिकार हो गए हैं, जब भी वो उत्तर भारतीयों या मुसलमानों से मिलते हैं तो उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने अगर मैं मिलता हूं तो सवाल उठा दिए जाते हैं, नरेंद्र मोदी मुंबई आए तो किसकी रसोई में गए, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे हिंदू विरोधी बता दिया गया होता, और अभी बताया जा रहा है कि उनका दिल बड़ा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे मन में बोहरा समुदाय के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं है, वो हमारे साथ हैं। बता दें कि 10 फरवरी को मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने रोटियां बेली थी, एक हफ्ते पहले बिल गेट्स रोटी बेलते हुए नजर आए थे, शायद उनकी नकल हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जाकर कर ली थी मुंबई के अंदर। तो जो बातें
उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में अंतर कर रही है, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वा रही है, हिंदुओं के अंदर ही दरार पैदा कर रही है। ये तमाम उद्धव ठाकरे के आरोप हैं जो आने वाले वक्त में शायद हमें नजर भी आने लगेंगे, क्योंकि किस तरीके की सरकारें चल रही है, कौन कौन उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। सिर्फ ये कह देना कि दलित भी हमारे हैं, दलितों के साथ में ऐसा बर्ताव न किया जाए, दलित भी हिंदू हैं, मोहन भागवत ने यह बयान दिया था। लेकिन आज ही का मामला है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित ने बोतल से पानी पी लिया तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उस दलित छात्र की जबरदस्त पिटाई कर दी। जागो जागो, हम भारत में हैं, ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक भारत है, ये उभरता भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है। यहाँ पर दलित किसी पंडित की बोतल से पानी नहीं पी सकता है, इसी तरीके से मार दिया जाएगा, मारा जाएगा। रोहित वेमुला को भी याद कर लीजिए, कहाँ थे, क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा मामला, किसी को नहीं पता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके जहन में, आपके दिल में कोई सुझाव है तो जरूर हमें भेजिएगा, हमारे नंबर पर कॉल करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप देश लाइव के पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल को भी आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर जरूर फॉलो करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।